अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्क ऑफ उर्दू रीडिंग बुक। ओपन योर उर्दू रीडिंग बुक एंड द पेज नंबर इज 6। योर उर्दू रीडिंग बुक पेज नंबर 6 और टॉपिक इज नात। सबक नंबर 2, नात। हमने कल नात की रीडिंग की थी। रीडिंग करने के बाद आज हमारे पास पेज नंबर 6 है। पेज नंबर 6 पर हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर वर्क। नात के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, अल्लाह के आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। द राइट ऑप्शन इज अलिफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2, आप पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरात, कुरान मजीद, अंजील, ज़बूर। द राइट ऑप्शन इज बे, कुरान मजीद। आप पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। नंबर 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया नेकी की राह पर चलना, बुराइयों से बचना, सच्चाइयों में डलना, इन सब पर चलना। द आंसर इज इन सब पर चलना, ऑप्शन दाल, इन सब पर चलना। नंबर 4, आपने नामे खुदा पे पुकारा मुसलमानों को, काफिरों को, मक्का और मदीना वालों को, हर एक को। द राइट ऑप्शन इज दाल, हर एक को। आपने नामे खुदा पर पुकारा हर एक को। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर देखें हमारे पास क्या है। मुनासिब अल्फाज की मदद से मसरे मुकम्मल करें। नंबर 1, जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के डैश। आंसर इज प्यारा, जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा। नंबर 2, एक एक हरफ जिस पर डैश का उतारा। आंसर इज कुरान, एक एक हरफ जिस पर कुरान का उतारा। नंबर 3, वो है डैश हमारा, वो है नबी हमारा। आंसर इज नबी, वो है नबी हमारा। नंबर 4, जिसने हमें डैश नेकी की राह पे चलना। आंसर इज सिखाया, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना। नंबर 5 इज जिसने हमारी दुनिया और दी को डैश। आंसर इज सवारा, जिसने हमारी दुनिया और दी को सवारा। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा मिसरा लिखे और शेर मुकम्मल करें। यानी आपके सामने पहला पहला शेर लिखा हुआ है, आपने उसका दूसरा शेर लिख के मिसरा मुकम्मल करना है। नंबर 1 पे हमने लिखा है एक एक हरफ जिस पर कुरान का उतारा। नंबर 2, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। नंबर 3, बचना बुराइयों से सच्चाइयों में ढलना। नंबर 4, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। यानी एक एक लाइन लिखी हुई है, आपने उसके सामने उसकी नेक्स्ट लाइन लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 पे ग्रामर में हमारे पास मुतजाद है। मुतजाद मतलब किसी भी लफ्ज़ का उल्ट होता है। मुतजाद किसी भी लफ्ज़ का उल्ट लफ्ज़ होता है। मसलन सच का मुतजाद झूठ है। तो यहाँ पे हमने दर्जा ज़ील अल्फाज के उल्ट लिखने हैं, यानी मुतजाद लिखने हैं। सवारा बिगाड़ा, बुराई अच्छाई, सच्चा झूठा, नेकी बदी। इस तरह से आपने ये करना है। पेज नंबर 6 पे हमारे पास टिक ऑप्शन है। नंबर 1 का आंसर, राइट आंसर जो है अलिफ है। नंबर 2 का बे है। नंबर 3 का दाल। नंबर 4 का दाल। पेज नंबर 7 पे हमारे पास खाली जगह है। नंबर 1 का राइट आंसर प्यारा है। नंबर 2 का कुरान। नंबर 3 नबी। नंबर 4 सिखाया। नंबर 5
सवारा। ये दूसरा मिसरा लगाकर हमने कंप्लीट करने थे। ये आपकी पूरी नात है, एक एक लाइन दी गई है, आपने नेक्स्ट लाइन राइट करनी है। पेज नंबर 8 पर अल्फाज मुतजाद है, बिगाड़ा अच्छाई झूठा बदी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड।